नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, जो इस समय की मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण खबर और जिसपे हम लोग को थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, वो कांग्रेस ने कल जो अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुझे जो मैं मोटे तौर पे जो मैं समझता हूँ, कांग्रेस ने बहुत स्पेसिफिक बातें की हैं। बहुत सालों से मैं भी घोषणा पत्र देखता हूँ, सारे पार्टीज का देखता हूँ, लोग जनरल बातें करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ वो स्पेसिफिक है कि संसद 100 दिन मिनिमम चलेगी, 1 दिन ये होगा, मतलब वो बिल्कुल हर एक छोटी छोटी चीजों में 40-30 लाख नौकरी होंगी, इतनी आशाएं और बढ़ाएंगे, वो हर चीज में बहुत स्पेसिफिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद अगले बार अगर कहीं इंडिया गठबंधन का कुछ मामला बनता है और कांग्रेस उसका पार्ट रहती है, तो शायद ज्यादा आसान होगा इनसे पूछने के लिए कि क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने ये भी बताया है कि 2019 में हमने क्या क्या कहा था और उसको चेतावनी के रूप में वहीं से उन्होंने शुरू किया है। और भाई, आज की तारीख में मेरे हिसाब से भाजपा के 2024 के घोषणा पत्र से ज्यादा जरूरी भाजपा का 2019 का घोषणा पत्र है कि उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या डिलीवर किया। तो पहले आपकी एक टिप्पणी कांग्रेस के घोषणा पत्र पे। सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र पे मेरी समझ ये है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं कांग्रेस के प्रशंसकों के रूप में नहीं जाना जाता हूँ, मैं उनकी मंडली का सदस्य नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का भी प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन अगर इस केवल इस घोषणा पत्र के ऊपर, इसको वो न्याय पत्र कह रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप जरा सा भी ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि दरअसल वो अगर सत्ता में आए तो अर्थव्यवस्था को भी रीसेट करेंगे और लोकतंत्र को भी रीसेट करेंगे, यानी अर्थव्यवस्था का भी पुनर्संयोजन करेंगे उसका और लोकतंत्र का भी पुनर्संयोजन करेंगे। ये वरना इस घोषणा पत्र को वो लागू ही नहीं कर पाएंगे। इस घोषणा पत्र को लागू करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अर्थव्यवस्था में जो बड़े पैमाने पर पैसा जो है वो आम जनता को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, इन सबको आप रियायतें देने की तरफ शिफ्ट करेंगे पैसे को, बजाय इसके कि आप कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े कर्ज माफ करें या और दूसरे कामों में पैसा खर्च करें, आप इन सब चीजों में पैसा खर्च करेंगे। इससे यानी आपकी जो आर्थिक प्राथमिकताएं हैं वो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था की बदल जाएंगी। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप इनमें से 20% वायदों को भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो वो कांग्रेस सत्ता में आई तो उसको ये करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वो लोकतंत्र में बहुत गहरे सुधारों का वायदा करता है ये। जैसे कि एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसने मुझे पिछले दिनों काफी विचलित कर रखा है और मेरे ख्याल से आप भी मेरी इस पीड़ा में साझीदार हैं, वो ये है कि जो विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन पीठासीन अधिकारियों का आचरण बिल्कुल एकदम, वो सत्ता के एजेंट बन गए हैं, सत्ताधारी दल के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि भाई इसको भी कैसे सुधारा जाए, इसमें कैसे गारंटी की जाए कि ये बिल्कुल एक तरफा किस्म की राजनीति ना करें। बेहतर होता है इसके साथ वो राज्यपालों वाला मसला भी ले आते कि किस प्रकार राज्यपाल जो है वो विपक्षी दलों की सरकारों के समांतर सत्ता केंद्र बनते जा रहे हैं और इस राजभवन में सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, इसके अलावा राजभवन में कोई काम नहीं होता है आजकल। तो कई तरह के एक चीज का आपने भी जिक्र किया, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब अगर इसकी तुलना हम भारतीय जनता पार्टी के दस्तावेज से करें तो मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, आप उसको व्यंग के तौर पर न लें। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया इस पर क्या थी? नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया ये थी कि ये लोग घोषणा पत्र लाते हैं, हम संकल्प पत्र लेके आते हैं। अब समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी भले अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दे दे, लेकिन उसमें जो बातें लिखी होती हैं, जो वो मंच से कहते हैं, वो भिन्न बातें होती हैं। और जब मंच से जो बातें वो कहते हैं, जब चुनाव के बाद उनसे कहा जाएगा भाई आपने ये बातें कही थी, आपने इनके ऊपर अमल क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं हमारे घोषणा पत्र में तो ये बातें हैं नहीं। अच्छा, उसके बाद में वो गोल पोस्ट लगातार शिफ्ट करते रहते हैं। उनका संकल्प पत्र यानी जो मंच से वो लफाजी करते हैं वो, और घोषणा पत्र जो लिखित रूप में हम लोगों के सामने पेश करते हैं, इन दोनों के बीच में ये दो अलग अलग गोल हैं।
और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के बीच में आवाजाही अपनी सुविधा के अनुसार करती रहती है। जैसे कि 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा घोषणा पत्र में लिखा नहीं था लेकिन मंच से कहा गया। लोगों के खाते में 15 लाख रुपए लाने का वायदा घोषणा पत्र में लिखा नहीं था, मंच से कहा गया। एमएसपी वाला सवाल जो है ना, है कि एमएसपी पे कोई एक वो कोई नई व्यवस्था कायम करेंगे, ये घोषणा पत्र में नहीं लिखा हुआ था लेकिन मंच से कहा गया। अच्छा, उसके बाद में हमारा काम, हमारा और आपका काम यही रह जाएगा कि चुनाव नरेंद्र मोदी जीत गए हैं लेकिन वो मंच से कहेगी किसी बात को पूरा नहीं कर रहे, लागू नहीं कर रहे, घोषणा पत्र में उनकी बात लिखी नहीं है, तो हम उनके भाषणों को ढूंढते रहे उनमें कहां उन्होंने कौन सी बात कही थी और फिर उनको ढूंढ के हम व्हाट्सएप पे डालें और यूट्यूब पे ले आएं, यही संघर्ष हम लगातार करते रहे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र एक और बात सोचने की तरफ हमें ले जाता है, वो ये है कि इन घोषणा पत्रों को अब भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में ज्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अभी तक घोषणा पत्र को इतनी गंभीरता से लिया नहीं गया, और न केवल घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरह ठोस बातें की जाए, जैसे उन्होंने कहा हम 30 लाख केंद्र में नौकरियां, हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, सब चीजें बिल्कुल ठोस। उन्होंने कहा हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा कि हम एक देश एक चुनाव को नहीं लागू करेंगे, ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कही है। इसी के साथ में उन्हें ये भी जोड़ना चाहिए कि ये कितने दिनों में करना है, उनकी डेडलाइन क्या होगी। डेडलाइन बिल्कुल जैसे ही घोषणा पत्र में डेडलाइन लिखी जाएगी वैसे ही मतदाता पूछने लगेंगे भाई ये डेडलाइन थी, मतदाता संगठन हमारे आपके ऐसे टिप्पणीकार सब पूछेंगे कि भाई ये निकल गया, बताइए अब आप अतिरिक्त दिन कितने और चाहते हैं, आपने कहा था 2 साल में कर देंगे, मान लीजिए 2 साल में आप नहीं कर पाए, चलिए 6 महीने और ले लीजिए, लेकिन 2.5 साल में तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था तो पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने एक बड़े समारोह में कहा था कि हम 2.5 साल के बाद में हमने जो जो वायदे किए हैं वो वायदे कितने 75 वायदे किए थे उन्होंने, वो सब वायदे टीवी स्क्रीन पे आए थे, हम सब लोगों ने उस पर चर्चा की थी, 2.5 साल बाद हम इनका हिसाब देंगे, आप नरेंद्र मोदी ने ये कहा था। लेकिन वो नौबत नहीं आई, उससे पहले कोविड आ गया, तो एक असाधारण स्थिति थी, तो हम सब लोगों ने नरेंद्र मोदी से इसका हिसाब किताब नहीं मांगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई कि हम मान सकते हैं कि भाई कोई भी पार्टी अपने उन वायदों को 2.5 साल में पूरा नहीं कर सकती, अगर बीच में महामारी से सारी दुनिया जूझ रही थी उस पर। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने 5 साल बाद कहना चाहिए था, कोविड गए हुए तो काफी वक्त गुजर चुका है। बहरहाल मैं केवल उदाहरण के तौर पर यह बात कह रहा हूं, अगर घोषणा पत्र के साथ में डेडलाइन और जोड़ दी जाए तो ये लोकतंत्र और मतदाताओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र की भूरी प्रशंसा करूंगा कि उसमें आम जनरल किस्म की अस्पष्ट बातें करने की बजाय बहुत ही ठोस आश्वासन दिए गए जी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट है, अब इससे आप फिर नहीं सकते, किंतु परंतु नहीं कर सकते। जिस मामले में किंतु परंतु होने की आशंका थी ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में, वो घोषणा पत्र में है नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से, क्योंकि दर्शकों को भी एक रिकैप हो जाए जो स्पेसिफिक बातें, मैं एक एक चीज से उठा रहा हूँ। जो 5 उन्होंने महिलाओं के लिए, उन्होंने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 33% का आरक्षण हम लागू कर देंगे, वो स्पेसिफिक है उसमें कहीं। उन्होंने किसानों के एमएसपी को तुरंत लागू करने के लिए कहा कि हम उसकी कानूनी गारंटी तुरंत करेंगे। श्रमिकों के लिए 400 रुपए का मिनिमम वेजेस, वो एक बड़ा, मैं सिर्फ एक एक चीज जो मुझे लगा, और मुझे बेरोजगारी और शिक्षा में एक बहुत बड़ी बात जो शायद उतनी डिस्कस नहीं हो रही है प्रोफेसर साहब, लेकिन हम और आप भी उससे अफेक्टेड रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मार्च 2024 तक के जितने एजुकेशन लोन हैं वो सब माफ किए जाएंगे, लोन और इंटरेस्ट सब, और उसको बैंक को केंद्र सरकार उसका रीइंबर्समेंट करेगी। हमारे मेरी लड़की को जब शिक्षा के लिए जाना पड़ा तो उसने भी एजुकेशन लोन लिया था, और फिर होता क्या कि हम और आप ही चुकाते हैं उसको, तो वो मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत क्रांतिकारी बात कर रहे हैं। और देश में एजुकेशन अगर कोई करना चाहे तो उसमें तो कितनी महंगी हो गई है। मैं एक चीज और लास्ट कहूंगा, उन्होंने जब हिस्सेदारी की बात कही, मतलब, और बहुत से लोगों को ये था, मेरे साथ के भी अगड़ी जातियों को खास करके है कि भाई जिसकी, उसमें स्पष्ट किया है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएगी, और वो आर्थिक पे भी उतना ही जोर दे रहे हैं जितना वो सामाजिक उस पे दे रहे हैं। तो एक बहुत, एक तो मैं ये कहना चाह रहा, दूसरा मैं एक और छोटी टिप्पणी ले लूं फिर इससे आगे निकलेंगे। मुझे एक बहुत बड़ी बात ये लगी कि आज केवल जब
केवल लोगों को सीट नजर आ रही है, वोट कैसे आ जाए, इसको ऐसे कर दो। उसमें उन्होंने उन चार जगहों का उल्लेख किया जो वोट और सीट की दृष्टि से जिसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, कहीं वोट का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने लद्दाख के लिए कहा कि शेड्यूल 6 में उसको डालेंगे, कोई वोट का फायदा नहीं। मणिपुर में हम कॉम्पनसेशन देंगे जो लोग इससे हैं, कोई वोट का फायदा नहीं। नागालैंड को हम फाइनली कोई एक सेटलमेंट उनके साथ करके फाइनल सेटलमेंट करेंगे, वोट का फायदा नहीं। मैं इस पे एक टिप्पणी लूंगा जो छोटे राज्यों को भी याद रखा गया। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज है। आपने वो तमाम बातें गिना दी उसमें जो ये बातें जो हैं, एक तो इसका राजनीतिक हिस्सा है जिसमें वो लोकतंत्र को सुधार की तरफ ले जा रहे हैं, जिसको वो लोकतंत्र में जो गड़बड़ियां पिछले 10 साल में हुई हैं उन गड़बड़ियों को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मणिपुर की सरकार को हम हटा देंगे, पर इस तरह की बात। दूसरी तरफ उन्होंने जो आर्थिक वायदे किए हैं नौजवानों से, बेरोजगारों से, स्त्रियों से, किसानों से, ये जो आर्थिक वायदे किए हैं इन आर्थिक वायदों को पूरा कर, मैं दोहराऊंगा, इन आर्थिक वायदों को पूरा करने के लिए उन्हें पूरी अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना होगा। इसलिए मैं, दो अर्थशास्त्रियों ने इस पर बड़ा अच्छा टिप्पणी की है, मैं उनकी बातों को सुन के सोच रहा था कि जब तक आप मौजूदा रवैया जो है अर्थव्यवस्था को चलाने का, जो पूरी तरह कारपोरेट उन्मुख है, पूरी तरीके से कारपोरेट पूंजी की, लगता है कि जो सत्ता में राजनीतिक दल है और जो सरकार उसने बनाई है वो कारपोरेट पूंजी की दलाली करने के लिए ही बनी है, जिसको राहुल गांधी सूट बूट की सरकार कहते थे। दरअसल ये वास्तव में वही सरकार है, गरीबों के लिए तो केवल मुंह जवानी किस्म की बातें की जा रही हैं या उनके सामने केवल टुकड़े फेंके जा रहे हैं। किसी को नौकरी देना एक अलग बात है, किसी को 2000 रुपये महीने की आर्थिक रियायत देना एक दूसरी बात है बिल्कुल। तो ये जो और महिलाओं को उन्होंने कहा था हम 1,00,000 रुपये देंगे, 1,00,000 रुपये देने का मतलब ये है कि कम से कम आप 8,500 के करीब प्रति महीना उनको देना चाहते हैं, जो कि एक आज के ज़माने में एक अच्छी खासी रकम है। इससे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का और कुछ सोच सकता है अपने आप कुछ बढ़ाने के लिए। तो इस लिहाज से मैं कहता हूं कि बड़ा ही ऐतिहासिक घोषणा पत्र है और निश्चित रूप से समाज के कई वर्ग इस घोषणा पत्र के आने के बाद में अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर इसकी रोशनी में पुनर्विचार करेंगे। ये चीज कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी प्रोफेसर साहब, अब मैं थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल बात पे आ जाऊं। संजय सिंह 2 दिन पहले रिहा हुए और संजय सिंह जब जेल से बाहर आए तो मुझे हरदम एक चीज ये लगी कि जेल में जैसे पुराने समय में लोग लंबे समय तक कोई भी नेता जाता था तो जैसे तप के बाहर निकलता था, संजय सिंह तपे हुए नेता बाहर मुझे नजर आए। और जितनी आक्रमकता से उन्होंने मोदी जी के ऊपर मतलब आक्रमण किया और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हैं, वो एक नए तरह का जोश तो उसने लोगों में भरा ही है। और केवल मैं आम आदमी पार्टी तक उनकी बात नहीं है, इंडिया गठबंधन एज सच में उन्होंने उनके बाहर निकलने से और उनके वक्तव्यों से बहुत जोश भर में आए हैं। मैं थोड़ा एक छोटा वक्तव्य इस पे आपसे, और मैं एक चीज और ऐड कर दूं, बहुत से ये जो भक्त लोग हैं कि वो देखिए सुनीता केजरीवाल के पैर छुए, सुनीता के उन्होंने मनीष सिसोदिया की पत्नी के भी पैर छुए। मैं ये स्पष्ट इसलिए कर दूं, ईस्टर्न यूपी में भाभी के पैर छूने का एक बहुत पुराना रिवाज है, ये कोई नया नहीं है। जो भी ईस्टर्न यूपी से आता है वो भाभी को माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि अगर बड़े भाई की पत्नी आपके से उम्र में छोटी भी है तभी लोग पैर छूते हैं। मैंने कहा ये मैं जरा स्पष्टीकरण बता दूं। मैं संजय सिंह के वक्तव्य, ये इस तरह की जो छिछली किस्म की टिप्पणियां कहती हैं इन पर तो हम लोगों को वक्त जाया करना ही नहीं चाहिए। जहां तक संजय सिंह जी का सवाल है, संजय सिंह जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। जब उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनावी राजनीति में कूदने की कल्पना भी नहीं की थी, मैं उससे पहले से उन्हें जानता हूँ। वो हमेशा से ही रघु ठाकुर जी के साथ थे, वो हमेशा से ही बहुत ही जुझारू और आंदोलनकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं और थक्कड़ मिजाज आदमी हैं और रुपए पैसे बहुत ज़्यादा अर्जित करने की कोशिश करना वगैरह ये सब उनके स्वभाव का और उनकी जीवन शैली का अंग नहीं रहा है। जब आम आदमी पार्टी उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था तब मैंने कहा था कि ये बिल्कुल सही व्यक्ति है जिसको राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश का कामकाज आम आदमी पार्टी की तरफ से संभाला और उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त इतनी मेहनत की उन्होंने। मेरा तो मानना ये है कि पिछले 6 महीने उन्होंने जेल में न गुजारे होते और उत्तर प्रदेश में काम करते हुए गुजारे होते तो आम आदमी पार्टी को वहां पर अपने संगठन को और मजबूत करने का फायदा होता और आम आदमी पार्टी भी कई जगहों से कम 4-5 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हो सकते थे जहां पर वो ठीक से चुनाव में अपनी इंडिया गठबंधन के सदस्य के रूप में अपनी दस्तक दे रही होती।
मुझे तो पक्का यकीन था, जब वैसे ही मुझे मैंने खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, पक्का यकीन था कि अब ये आम आदमी पार्टी की एक बहुत ही सशक्त आवाज बनकर उभरेंगे और बहुत ही आक्रामक तरीके से। एक तो उनकी जबान बहुत साफ है, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जिनकी जबान बोलते समय लड़खड़ाती नहीं है, जो सीधा सरल और बिल्कुल शुद्ध वाक्य बोलते हैं। बहुत कम नेताओं में ये क्षमता होती है, संजय सिंह में ये क्षमता है, उस बिल्कुल प्रगल्भ वक्ता है, सीधा सरल और शुद्ध वाक्य बोलते हैं, और उनका बिल्कुल आवाज भी उनकी बढ़िया है और वो ठीक से लोगों तक पहुंचती है। मैंने एबीपी चैनल पे एक बार उनको बुलाया गया था, उसमें उनसे जवाब सवाल करने वालों में पत्रकारों में मैं भी था। एक इससे पहले एक दूसरे चैनल पे भी उनको बैठाया गया था, उस वक्त भी मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था जहाँ उन्होंने नरेंद्र मोदी की डिग्री का सवाल उठाया था, नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई का सवाल उठाया था, और उस चैनल वालों ने उसको एडिट कर दिया। यानी जब हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, मैंने भी उस बात कही थी तो वो उसमें था ही नहीं, तो संजय जी ने मुझे फोन किया कि देखिए भाई साहब इन्होंने तो बात ही निकाल दी। अब इसी तरह के लोग हैं, तो संजय सिंह तो बहुत बड़ी एसेट हैं, बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि बहुत उनकी जो पूरक भूमिका है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, वो बहुत बेहतरीन लोगों के सामने निकलने वाली है। अब बीजेपी वाले उनके खिलाफ उनके ऊपर फिर एक कानूनी फंदा डालेंगे, जो मुझे इसका अंदाजा हो गया। वो कानूनी फंदा ये है, वो कहेंगे कि ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे उनके ऊपर एक शर्त लगाई गई है कि आप अपने केस के बारे में बात नहीं कर रहे, तो अपने केस के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, तो उनके ऊपर केस लगा उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये सब कहना बीजेपी वालों ने शुरू कर दिया। दरअसल सत्ता में आने के बाद ज्यादातर बीजेपी वालों का काम शिकायत करना और मुखबिरी करना टाइप हो गया है, विद्यार्थी परिषद से लेकर वहां तक सरकार से, मतलब वो कानून का इस्तेमाल कैसे अपने पक्ष में किया जाए, पुलिस का इस्तेमाल कैसे अपने पक्ष में किया जाए। शुरू शुरू में जब रोहित वेमुला वगैरह और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वाले मसले चल रहे थे, तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गण हम लोगों के साथ टीवी बैठते थे, तो बीच में ब्रेक होता और कहते थे कि आप लोगों को डंडे पड़ेंगे, मतलब वो इस प्रकार की बात किया करते थे। जी जी, मैं एक और चीज प्रोफेसर साहब इसलिए उसको वो कर दूं, और मैं इसलिए इन बातों को कहता हूं कि ये जनता को पता होना चाहिए। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, और मेरी जानकारी में अकेले सांसद हैं जिन्होंने गांधी पीस फाउंडेशन, जो गांधी जी के नाम पे चलती है, कायदे से कांग्रेस के लोगों को इसकी देखभाल करनी चाहिए थी, वहां पे उन्होंने अपनी सांसद निधि से सीधे सीधे पैसा दिया है, सीधे सीधे, क्योंकि ज्यादातर लोग सांसद निधि से कमीशन के चक्कर में रहते हैं। इन्होंने केरल में जाके उस सांसद निधि से मदद की थी। मैं एक और नई चीज इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं, ये नया वो लाए, एक नया उन्होंने डायमेंशन किया, जो बंगारू लक्ष्मण की बात लाए, कि पहला एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जो रक्षा सौदे में घूस लेते हुए पकड़ा गया और उसको सजा हुई, ये डायमेंशन तो उन्होंने कहीं ना कहीं जेल में उनको मिला होगा। मैं जरा जो मैं कंसर्न हूं अभय भाई, मोदी जी का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जो मोदी जी से थोड़ा भी नहीं, जिसने मोदी जी का नाम लिया है उसको मोदी जी बिल्कुल कुचल के नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। राहुल गांधी उसमें पहले थे, उनका सदस्यता छीनना, उनका घर छीनना, महुआ मित्रा उसमें दूसरी हैं, जिनको किस तरह से घेर घार के तंग किया जा रहा है। अब संजय सिंह है, क्योंकि संजय सिंह ने भी डायरेक्ट हमला किया था उनके ऊपर। मुझे इनकी सुरक्षा को लेके भी अब खतरा नजर आता है, क्योंकि संजय सिंह के ऊपर मुझे खतरा अभी तक नहीं था, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि एक हिस्ट्री जहां पे गाड़ियां उलट जाती हैं जेल में, जहां पे लोगों को ये शक रहता है कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया है, जहां पे लोगों को ये शक है कि जस्टिस लोया और हिरेन पांड्या का आज तक नहीं पता लगा, मुझे संजय सिंह की सुरक्षा को लेके भी एक कंसर्न है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपकी चिंता वाजिब है और मैं आपके साथ हूँ। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी के राजनीति के पूरे दौर को आप देखें, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब वो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 12 वर्ष तक वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, तो वो उसको मैं मुहावरे में कह सकता हूँ कि वो सीडी से लेकर ईडी तक की युक्तियों का, ट्रिकों का इस्तेमाल करने में ये पूरी अवधि माहिर है। और पार्टी के अंदर भी उन्होंने अपने बहुत से लोगों को निपटाया है, तरह तरह से निपटाया है, और उसमें इस तरह के आरोप भी हैं जिनके अगर भले ही प्रमाण उपलब्ध ना हो, लेकिन लगातार सार्वजनिक जीवन में तो वो आरोप लगते ही रहते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति ही जो है वो सीन से पूरी तरह गैरहाजिर कर दिया जाता है, सदेह गैरहाजिर कर दिया जाता है।
तो ये है, संजय जी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और आम आदमी पार्टी को भी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जी जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक कल अजीब एक दिलचस्प वाक्या हुआ। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश से खजुराहो सीट से एक सीट उसको मिली थी, और उससे पहले समाजवादी पार्टी बहुत गुस्सा थी कि भाई जब विधानसभा इलेक्शन हुए तो कमलनाथ ने ठीक से ट्रीट नहीं किया, कोई सीट नहीं दी। कल उनके जो वहां पे प्रत्याशी थी, जो पहले भी एमएलए रह चुकी हैं, जिनके हस्बैंड भी एमएलए रह चुके हैं, नए कोई नौसिखिया नहीं थे, उनका जो नामांकन था वो रिजेक्ट कर दिया गया। और एक तरह से वॉकओवर है। अब वहां बीजेपी का जो कह रहे हैं कि दो तीन लोग और जो है उनको बिठा लिया जाएगा। अब जो उंगली उठ रही है वो ये उठ रही है कि ये अखिलेश यादव जी का एक टैक्टिकल सपोर्ट है बीजेपी को। दूसरा कहना है कि नहीं, अखिलेश यादव जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ही कोई पैक्ट कर लिया है। मैं थोड़ा एक टिप्पणी आपसे इस पे भी चाहता हूं, क्योंकि मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि इससे पहले 2012 में भी डिंपल यादव जी जब इलेक्शन लड़ रही थी बाई इलेक्शन कन्नौज से, तो वहां पे भी कोई इनके कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी ट्रेन छूट गई थी, वो सिंबल लेके आ ही नहीं पाए थे, और मतलब ये सब तमाशे हुए थे। और जो दो इंडिपेंडेंट थे उनको फिर अब कैसे बिठाया गया होगा, ये हो सकता है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए थे। मैं थोड़ी एक टिप्पणी आप, ये सब मैनेज हो रहा है। देखिए, मैं ये घटना खास तौर से क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में तो जानकारियां मेरे पास है नहीं, लेकिन मोटे तौर पर इस घटना की रोशनी में अगर मैं टिकट बांटने, उम्मीदवार तय करने के बारे में जो समाजवादी पार्टी का आम प्रबंधन है, अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो वो मुझे आम प्रबंधन काफी विचित्र लगता है। मतलब जितने ज्यादा टिकट इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वो तो मध्य प्रदेश की बात है जहां समाजवादी पार्टी कोई बड़ी ताकत नहीं है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है। आप देखिए कितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बाहर भी कितने निर्वाचन क्षेत्रों में ये एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार अपने उम्मीदवारों को बदल चुके हैं, और उम्मीदवार बदलने की स्थिति यह है कि वो चुनाव चिन्ह वगैरह सब दे दिया जाता है, वो जलूस भी निकाल लेता है अपने पक्ष में, और बाद में पता चला कि अब उसके पास सिंबल ले लिया गया उससे और किसी और को दे दिया गया। तो इनकी अव्यवस्था बहुत है, और उस अव्यवस्था का मूल कारण क्या है ये समझ में नहीं आता। मतलब क्या है मूल कारण, सब सारी पार्टियों कुछ ना कुछ एक दो जगह गूफ अप हो जाता है, वो हम मान सकते हैं बात, लेकिन जितने बड़े स्तर पर हो रहा है समाजवादी पार्टी में वो काफी चिंतनीय है, और वो उससे शक भी पैदा होता है कि भाई इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये कोई धोखे में हुई कार्रवाई तो नहीं है, ये आप बताइए आनंद जी ये क्यों हो रहा है। अब उनके प्रवक्ता तो कहते हैं, घनश्याम तिवारी कह रहे थे कि बात तो आपकी ठीक है, आलोचना तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी जमीन से जुड़े नेता है, इसलिए जमीन से खबर आती है तो टिकट बदल देते हैं। तो जमीन से खबर आती है मतलब हर 24 घंटे में जमीन से नई खबर आ जाती है, और हर 24 घंटे में आप टिकट बदल देते हैं। आपने 24 घंटे पहले वाली खबर को क्यों असली माना था, बात की खबर को क्यों नकली माना, बात समझ में आती नहीं है। आप मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है ये देख, इस तरह मुलायम सिंह के जमाने में भी कभी नहीं हुआ। मैं प्रो साहब एक और, मैं इसलिए इन छोटी छोटी घटनाओं को पकड़ के आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, दर्शकों को ये समझ में भी आना चाहिए। कल एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को स्टे किया जिसके द्वारा उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो मदरसा लॉ था 2004 का, उसको कहा था कि सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, और उनके उस ऑर्डर से उत्तर प्रदेश के जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 लाख बच्चे और 10,000 शिक्षक डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, उसको स्टे कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में जब कल बहस के दौरान कहा गया कि वो भाई वो रेगुलर वो शिक्षा लेने नहीं जाते हैं, वो दीनी शिक्षा लेने जाते हैं, और वो शिक्षा और रेगुलर शिक्षा में फर्क है, और आप उसको एक डंडे से आप उसको बंद कर दें ये ठीक नहीं है। मैं थोड़ा एक टिप्पणी इस पे भी चाहूंगा, ये भाई अगर कोई दीनी शिक्षा अपनी करना चाहता है, कोई गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ना चाहता है, कोई यहाँ पढ़ना चाहता है, इसमें सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है। नहीं देखिए, अगर आदित्यनाथ जी की सरकार का और या केंद्र सरकार का ये तर्क है कि भाई मदरसों में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व या कुछ कट्टरपंथी तत्व मदरसों में सक्रिय हैं, अगर उनका ये तर्क है तो फिर उनको, उनके पास सरकार है, उनके पास लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उनके पास सीबीसीआईडी है, उनके पास आईबी है, उनके पास रॉ है, उनके पास सब कुछ है,
और वो डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी दोनों आपस में मिली हुई है, दोनों आपस में काफी गहनता के साथ जुड़ी भी हुई है, प्रधानमंत्री वहीं के सांसद भी हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मदरसों में कहीं कुछ लाखों मदरसों में कहीं कुछ इस तरह के तत्व हैं तो जाहिर है कि वो गिने चुने और उंगलियों पर गिनने लायक होंगे। आप उनको छांटिए और उनके ऊपर उनको प्रतिबंधित कर दीजिए, उनके ऊपर कानून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। उस नाम पर सारे के सारे मदरसों को कोलतार, मदरसों के चेहरे पर कोलतार पोतना और सबको सबकी मान्यता वापस लेना, सबको खारिज करना और वो भी सेकुलरिज्म के नाम पर। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि ये काम सेकुलरिज्म के नाम, जब सेकुलरिज्म के नाम पर मदरसों में मदरसों को अनुमति दी जानी चाहिए। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि हमारे देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ खास तरह के अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे अधिकार पश्चिमी लोकतंत्रों, यूरोपीय लोकतंत्रों की जनता को भी प्राप्त नहीं है। वहां अल्पसंख्यकों को हमारे यहाँ कुछ इस तरह के सांस्कृतिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे लोग अपनी शिक्षा खुद दे सकते हैं। अभी आप मदरसों पे आपने हमला किया, ईसाइयों पे हमला करने की आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि उनकी अंतरराष्ट्रीय लॉबी बहुत बड़ी है। जी जी जी, तो जी, ये जो पूरी प्रवृत्ति है और सबसे कितनी बड़ी विडंबना, ये सेकुलरिज्म के नाम पे आप कर रहे हैं जबकि होना उल्टा चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पे तो उनको इजाजत मिलनी चाहिए। जी मैं प्रोफेसर साहब, एक और घटना हुई है और उसपे मैं इसलिए क्योंकि आप ही मुझे लगते हैं जो उस पर ठीक से कोई टिप्पणी कर पाएंगे। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक सर्वे आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इफ नियरली 90% ऑफ तेलंगाना कैन वोट, वाई ओनली 60% इन बिहार। बिहार के बारे में मेरा भी ये जनरल है कि बिहार के लोग बहुत ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, इन्फॉर्म्ड रहते हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं जब वोट देने की बात आती है तो देश के पहले 6 राज्य जो सबसे ज्यादा वोट देते हैं, इसमें तेलंगाना सबसे ऊपर है, उसमें से 5 दक्षिण के राज्य हैं। वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी फर्स्ट 6 में सब दक्षिण के राज्य हैं, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, आंध्र प्रदेश, ये सब। और नीचे से जब शुरू करते हैं तो नीचे से शुरू होता है बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर समझ में आता है कि वहां वोटिंग का एक अपनी समस्या रहती है। ये इस पे मैं एक टिप्पणी चाहता हूँ, ये हम लोग केवल सुबह से शाम तक राजनीति की तो बात करेंगे लेकिन वोट देते समय क्या हो जाता है? नहीं, एक तो जो अभी तुरंत आपने बात कही है तो पहली दो प्रतिक्रियाएं मैं इसके ऊपर करूंगा। पहली तो ये है कि जो शहरी इलाके हैं यहाँ के, उन शहरी इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम रहता है सब जगहों पर। आप देखिए, शहरी इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम रहता है लोकसभा चुनाव में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बढ़ जाता है लेकिन बाकी लोकसभा चुनाव में यहाँ भी कम, उसके मुकाबले कम रहता है। एक तो ये बात होती है, शहरी लोग जितनी बातें करते हैं, जितनी राजनीतिक पैंतरेबाजी करते हैं, वोट डालने के लिए निकलते नहीं, लोकतंत्र में उनका उतना ज्यादा स्टेक नहीं है, मतलब जो ऐसा वो महसूस करते हैं। दूसरे, ये बात मुझे भी ताज्जुब में डालती है कि बिहार में वोटिंग का प्रतिशत इतना जितना ऊंचा होना चाहिए उतना ऊंचा क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जब वामपंथी आंदोलन में सक्रिय थे तो हम लोगों के एक मुखपत्र में हेडिंग छपा था, बिहार शोज द वे। इस मामले में बिहार जो है वो शोज द वे क्यों नहीं है, कि भूमिका क्यों नहीं निभा रहा है? बिहार तो निश्चित रूप से बहुत ही हाईली पॉलिटिसाइज, बहुत ही राजनीतिकृत किस्म का प्रांत है। एक और नया टाइम्स ऑफ इंडिया के ही एक 2 दिन पहले छपे हुए एक संपादकीय का मैं इस सिलसिले में जिक्र करूंगा, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो 18 साल का हो गया अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो उसको तत्परता से जाकर वोटर के तौर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लेकिन इसमें राष्ट्रीय औसत केवल 38% का, 38% का, केवल 38% 18 साल के नए लोग जो है ना उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कहीं ये औसत 70% है तो कहीं 14% रह जाता है। तो ये जो मसला है, यानी नए वोटर जो हैं वो जितनी तेजी के साथ में मतदाता मंडल में शामिल होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं शामिल, उनमें वोटर बनने के प्रति काफी अनमनापन है। जी, जी। वोटर बनने के प्रति उनमें काफी अनमनापन है और ये एक समस्या है। चुनाव आयोग भी लगातार प्रचार करता है, हम सब लोग भी इतनी राजनीतिक बात करते हैं, उसके बावजूद भी या तो वो रोजी रोटी की झपसट में, रोजी रोटी की जद्दोजहद में इतना फंसा हुआ है कि राजनीति पर ध्यान देने का उसका मन नहीं होता या उधर रुझान नहीं होता। भारत में हर चीज राजनीति के जरिए ही तय होती है, यहाँ तक कि
आपकी फीस माफ होगी कि नहीं होगी ये भी राजनीति के जरिए तय होता है, आपकी जाति किस श्रेणी में होगी ये भी राजनीति के जरिए तय होता है, सब कुछ आपकी अर्थव्यवस्था कैसे होगी सब राजनीति के जरिए तय होता है। फिर भी राजनीति और उसमें भागीदारी का जो सबसे प्रमुख जरिया है वोट डालना, उसमें अगर नया वोटर जब पहली बार वोट डालने पर लोगों में बड़ी उत्सुकता भी होती है, बड़ी खुशी खुशी लोग वोट डालने जाते हैं, लेकिन वो अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहा है, इतना चुनाव प्रचार करने के, इतना प्रचार चुनाव आयोग द्वारा इतना प्रचार करने के बावजूद, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीति की जो विफलताएं हैं जनता की मांगे पूरा करने में, उससे लोगों में एक तरह की निराशा भी आ रही है। जी प्रोफेसर, मैं खत्म करने से पहले बहुत संक्षेप, क्योंकि टाइम हो गया, मुझे क्या शिक्षा एक बड़ा कारण है, क्योंकि जो ज्यादा एजुकेटेड राज्य है वहां पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, जो एजुकेशन के मामले में नीचे है उनके यहाँ कम है। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन शहरों में तो गांवों के मुकाबले शिक्षा ज्यादा होती है, तो फिर उत्तर भारत के मध्य भारत के शहरों में वोट क्यों कम पड़ता है, ये भी एक बात है। और खासतौर से जितनी पॉश कॉलोनीज होती है वहां सभी लोग शिक्षित होते हैं, नहीं जाते, शिक्षित होते हैं, हाँ वहां तो वोट सबसे कम पड़ता है पॉश कॉलोनीज, पॉश कॉलोनी के लोग तो वोट डालने निकलते ही नहीं, उनके पास तो कारें तक होती हैं, मोटरसाइकिलें होती हैं। तो ये शिक्षा वाला पहलू इतना नहीं है, मुझे लगता है ये, अब इसको किस तरीके से देखा समझा जाए इसके ऊपर कुछ सोशियोलॉजिस्ट लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बात करने के लिए। अगले बार हम लोग सब बात करेंगे तब बिल्कुल लास्ट, मतलब फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन की वोटिंग के करीब होगा, 19 को पहले फेज की वोटिंग है, तो तब तक और चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।